सवाल पूछा सी कि देश विरोधी ताकत दे नाल आम आदमी पार्टी का कनेक्शन है कि तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस बयान दे नाल सहमत हो जवाब हां दे विच है तो टाइप करो ZPHH स्पेस जो वाई ते नाल दे लई टाइप करो ZPHH स्पेस जो एन ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दियो से नाल ही कॉल भी कर सकदे हो 1800 1803535 ते गुरचरण जी पहले कॉलर साडे नाल तलवंडी साबो तो जुड़ चुके ने गुरचरण जी की कहना चाहोगे गुरचरण जी थोड़े तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रख सकते हो तलवंडी भाई हाँ सर बोलो की कहना चाहोगे हाँ जी हेलो हाँ जी अपनी गल रखो सर हाँ जी इसके वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक है जी ठीक है धन्यवाद सर थोड़ा अपनी राय साझा करने के लिए तो सवाल लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है तुसी अपनी राय साढ़े नाल मैसेज के जरिए भी साझा कर सकते हो तो इस वेले कॉल भी कर सकते हो मनजिंदर जी लुधियाना तो अगले कॉलर जुड़ चुके हैं मनजिंदर जी की कहना चाहोगे इंद्रजीत मैम सत श्री अकाल मनजिंदर जी मैडम मैं कहना चाहना भी इन्हों जेडे तुहाडे कोल बैठे आ सारे नुमाइंदे जी जेड़ा काम होया बहुत माड़ा होया जी सरकार ही इन्हें फेलियर आ एक दूजे ते ब्लेम लाने नालों एक दूजे नूं ब्लेम करन नालों पुलिस नूं प्रशासन नूं प्रोपर चैक करके ही इन्हां दा मतलब सिस्टम बनाना चाहिए कोई जी बिल्कुल यानी कि इस तरह के मामले ना होन कार्रवाई होनी चाहिए है सख्ती दे नाल भरोसा भी दिता जा रहा सरकार दे वल्लों साढ़े नाल खास मेहमान लगातार बने हुए ने रोमी साहब तुसी कुछ कहना चाह रहे सी अपनी गल पूरी करो ते नाल ही मेरा सवाल तुहाडे नाल मैं साझा करना चाहूंगी उस सवाल का जवाब क्योंकि पंजाब दे लोग भी ये जानना चाहणगे कि वाकई इस दे पिछे आम आदमी पार्टी का लिंक हो सकता है क्योंकि लगातार इल्जाम जो है चाहे अकाली दल की गल की जाए बीजेपी की गल की जाए कांग्रेस की गल की जाए आम आदमी पार्टी ते पा रही ने इंद्रजीत जी जिहड़ी आम आदमी पार्टी है यह पंजाब हितैषी तो है नहीं इहदे विच कोई दो राय नहीं है यह सही गल आ ते नंबर दो साजिशा करन दे विच आम आदमी पार्टी नंबर एक है जिहदा कि एक जिउंदा जागदा सबूत यह आ सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर जी नूं साजिश के तहत 21 बंदिया के साइन करा के केजरीवाल के कहण ते चिट्ठी भेजी गई तो दस्या यह गया भी इत्थे जिहड़े 21 बंदे ने इन्हां लिख के दिता भी सरदार सुच्चा सिंह जी दोषी ने केजरीवाल के कहते कहण तो भाव जिहड़ा बंदा सीएम बनने के सुपने देखता और रिमोट कंट्रोल राही बंदे नूं डमी नूं चला रहा तो वह बंदे अपना जमीर ते अपनी गैरत की परवाह ना करते हुए लिख के देख रहे हैं वह बंदा जी तो 40 साल का बेजदा कैरियर है वह बारे उन्होंने तो आप की उम्मीद कर सकते हैं इस करके वोटर अपील है यह जे बंदे नूं ना चुनो जो अपने पंजाब का भविख दा ते ला देण नंबर दो इन्हों आम आदमी पार्टी वालों ना पंजाब की विरासत का पता ना पंजाब की सियासत का पता ना सिख मर्यादा का पता क्योंकि इन्होंने लीडर कई बार यह जे बयान विवादित बयान दे चुके हैं जिन्हें करके कलेश खड़े हुए हैं फिर ये यू टर्न लैन के माफिया मंगण के माहर ने इसलिए इन्होंने यकीन नहीं किया जा सकता किसी तरह का भी ठीक है ठीक है यकीन नहीं किया जा सकता पंदेर साहब मैं इस पर थोड़ी राय जरूर लेना चाहूंगी कि कोई पार्टी सिर्फ सत्ता दे विच आउण लई सियासी लाहे दे लई इस हद तक भी जा सकती है इंद्रजीत जी जे आपां पुराना इतिहास देखिए एमरजेंसी तो लैके हुण तक पिछे तक पंजाब ने ओह संताप भोगिया कि लोकां ने जिहड़ी सियासी लाहा लैण वास्ते पंजाब दा बहुत वड्डा नुकसान कीता उन्हां दिनां दे विच वी लोकां नूं भड़काउण वास्ते पंजाब दे विच मंदरां च गावां दीआं पूछां वढ के सिटियां गईआं गुरद्वारिआं च सिगटां सिटियां गईआं और उस वेले तां आम आदमी पार्टी है नहीं सी जी। और पंजाब दे लोक इह मंग करदे सी और जिहड़ी रूलिंग अकाली दल बीजेपी दी सरकार है इन्हां ने अज तों 10 साल पहलां पावर च आउण तों पहलां इह वादा कीता सी कि इहदा इक कमिशन बणूगा पंजाब दे विच उन्हां दिनां च की कुछ होया उहदे बारे जिहड़ी जिम्मेदारी तायद कीती जाऊगी सारी दी सारी और दोषियां नूं सज़ा दित्ती जाऊगी जिहड़ा मौजूदा जिहड़ी मौजूदा पोलिटिकल सिचुएशन है इंद्रजीत जी उह इह देखणा चाहीदा कि लोकां दा उभार जिहड़ा जिस जिन्ना कि भी उभार आम आदमी पार्टी दा वल हैगा उह आम आदमी पार्टी वल इन्ना नहीं है जिन्ना कि अकाली दल बीजेपी दी सरकार या कांग्रेस दे खिलाफ हैगा सो इहदे उत्ते इह कहणा जी कि उह गुस्सा सारे दा सारा ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ
प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिता और आम आदमी पार्टी के लीडर्स नूं ज्यादा ट्रीटमेंट वधिया मिलिया ओदा बदला आपां हुण लई इस लैवल दे उत्ते सियासत करनी कोई पंजाब वास्ते अगे तो फायदा नहीं होण लग्या। ये बहुत ही एक नैगेटिव ट्रेंड है जिसनों अरैसट करना बहुत जरूरी है। मैं इस दे विच सारे सिलसिले दे विच एक गल बड़ी जिहड़ी हैगी है नोट कर रहा कि सब तो जिहड़े सीनियर लीडर ने साडे इस वेले सियासत दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्होंने हाले तक कोई ऐसा बयान नहीं दिता और उन्होंने मर्यादा रख के गल की है और इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करने ज्यादा करते हैं। असी इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं उसका रिजल्ट पहला कढ़ता यह बड़ी मैनू बई इम्तिहान होया नहीं उदू पहला रिजल्ट आ गया हाले तक और किसी लैवल से बुखलाहट यह नज़र आ रही है कि कुछ लैवल के उत्ते इहदा कोई ना कोई रिजल्ट के उत्ते जिहड़ी आ चोणां दा रिजल्ट है या चोणां दा पैटर्न है उहनू किसी ना किसी तरीके नाल डॉक्टर किया जाए या इनफ्लूएंस किया जाए और यह जिहड़ी सारी दी टोटल एक इमोशनल इशू है लोगों के पहला ही पंजाब दे विच जिहड़ा आम नागरिक है वह सुरक्षित महसूस नहीं करता यह सारी की सारी उस सुरक्षित जिहड़ा फीयर साइकोसिस जिहड़ा है साडी पंजाब दी सोसाइटी दे विच जो काफ़ी देर तो चलता आ रहा यह उहनू फरदर स्ट्रेंथन करता और उहदे ते पूरी मोहर ला रहा। ठीक है गुरचरण सिंह जी इस नाल आम आदमी पार्टी नूं फायदा या हुण इस धमाके तो बाद कोई होरना पार्टियां फायदा लै रहियां ने मौजूदा सरकार या फिर कांग्रेस? जे कोई एक बार दा तौलवे या दो बार दा तौलवे जन ओ सारी सरकार दे उत्ते 10 साल दी जिहड़ी कारगुजारी दे उत्ते कलंक नहीं लगदा इह इह ठीक है वारदात होई है जे लोग जे मुलजम ना फड़े जाणगे तां गल कहना इहदे ते सख्त कारवाई होएगी। श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दी सरकार ने हमेशा अमन शांति ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखता जी बड़ी समझदारी वाली गल है साडे पंजाब दे लोग बड़े एजुकेटड ने बड़े समझदार ने लिविंग स्टैंडर्ड भी है सब कुछ आप इन्हां दी गल तो ही इन्हां दा ला रहे हैं भी जिदा दी भी जिम्मेवारी नहीं लैणी भी हाँ जी हुई है जी गल जरूर हुई है और उहदी असीं जिम्मेवारी लैणी है। सरकार कितने ना कितने फेल्यूर हुई है प्रशासन च कितने ना कितने कमी हुई है असीं इहदे उत्ते पूरा अध्ययन और पूरे ध्यान नाल काम करांगे और देखांगे अगे चल के अगे भी अगे भी हुण किन्ने चार दिन रह गए चोण हफ्ता लगी हुई है तुहाडे कोल कोई पावर ही नहीं हैगी इलैक्शन कमीशन देखेगा उस चीज़ नूं की करना है अगों सख्त होर कार्रवाई इलैक्शन कमीशन करेगा। दूसरी जिहड़ी पंडेर साहब ने की एन आर आईज़ बाहर तो आए हुए हैं एन आर आईज़ भरा जिहड़े आए हैं साहबान जिहड़े बाहरों आए हैं अगर उन्होंने दिल्ली का दो दिन रह के गेड़ा लवा के लियाए जाते तो शायद उधरों ही अमेरिका टप जाते वह आम आदमी पार्टी की फेवर कर ना आते हो अजे दिल्ली की स्थिति उन्होंने वेखी नहीं हैगी कि दिल्ली की स्थिति की है दिल्ली के अंदर की सिस्टम है दिल्ली तो सारी दिल्ली खाली होकर इतने आ गई है तो इतने वो लवार छड़ती दिल्ली सारी उत्थे दिल्ली को पुछण वाले नहीं आ गई रब ना करे कितने यह जी इतने गल हो गई तो फिर पंजाब सारा खाली करके फिर किधर होर स्टेट से चले जाएंगे। कोई सिस्टम होंगे सरकार का कोई सरकार की जिम्मेदारी होंगी है दिल्ली के अंदर आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए है और जिम्मेदारी देखना चाहिए। दूसरी गल मैं केजरीवाल साहब न कहगा कि जड़ा उन्होंने रात टीवी के उत्ते वर्ड यूज किया है कि अमरिंदर सिंह के प्यो का यह पंजाब नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल क्लीयर वर्ड कह दी तो अज तो यहोजा वर्ड कहता उन्होंने टीवी से दोबारा यहोजा वर्ड ना कह बिल्कुल भी किसी भी नेता के प्रति जिदा दी गल करते हैं और उन्होंने ठोक के असी जवाब दे सकते हैं शायद अमरिंदर सिंह साहब ना देन यहोजी दर्भ भाषा यूज करनी एक मुख्यमंत्री की शोभा दिंदी है कि एक मुख्यमंत्री होवे उत्थे दा और पंजाब जाके यहोजी गल करे ये असी बेनती करांगे कि दोबारा यहोजा वर्ड ना बोलन बिल्कुल भी किसी भी पार्टी के लीडर के खिलाफ। ठीक है पर तुसी इस दे नाल ही मौजूदा सरकार नूं भी जिम्मेवार ठहरा रहे हो पुल्लर साहब कि इस हमले दे लई सरकार जिम्मेवार है सरकार जिम्मेवारी लैंदी है कि अजिहे वारदात अजिहा धमाका नहीं होना चाहिए सी। इंद्रजीत जी इस टाइम इलैक्शन का लास्ट जिन्हों कहते माहौल है और दिन दो रह गए ने इलैक्शन दे विच सारी लीडरशिप जिहड़ी है वह इलैक्शन दे विच इस टाइम व्यस्त है और जिहड़ी
जिन्ना भी सरकारी अमला हैगा वह भी इलैक्शन के संभालने लिए और कराने वास्ते कि शांतमई तरीके इलैक्शन हो जाए, चाहे वह पुलिस फोर्सिज ने चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारा सारा उस लग्या है। मैं तुम्हें पहला भी कहा भी यह जे अंसर ने जोड़े देश विरोधी ने जोड़े लोगों के विरोधी अंसर ने यह कितने ना कि रस्ता लभ के अपना यहोजे हमले जो कोई कार्रवाई करते हैं और एक कार्रवाई हुई है और अं कही भी सरकार टोटल फेलियर हो गई। तुम ये भी तो देखो ना भी इन्ने वा सारा कुछ चल रहा है और ऐसे माहौल जो एक पास पाकिस्तान का खतरा है उतो टैरिज्म का खतरा है, इधरले पास इंटरनल जो ब्लास्टिंग पोजिशन है अगर कोई यही इक्का दुक्का कोई घटना होंगी है यह मतलब यही कि सरकार टोटली फेलियर हो गई। ठीक है रोमी साहब, मैं आ रही बाली साहब अफसोस कर रहे हैं इस चीज का भी हाँ घटना हुई नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है नहीं होनी चाहिए थी। रोमी साहब जी कुछ कह रहे हैं। इंद्रजीत जी मैं भुल्लर साहब की इस गल सहमत नहीं, चाहे सारा अमला लग्या होया चाहे सारा स्टाफ लग्या ठीक है इलेक्शन चल रही है पर जिहड़े बंदे उत्थे मारे गए है जिहड़े जख्मी हुए है उन्हें दा जिम्मेवार कौन आ? ज्वाइंट ऑपरेशन दे नाल सारे बैरीकेड लगे सारियां चैकिंग्स हो रही ने आपां इह कह के असीं साडा काम नहीं सर सकदा जी सारा अमला एक पासे लग्या होया तां उहनां दी परवाह कौन करूगा वह किहदे सारे असीं छड्डे ने उहनां दी जिम्मेवारी कौन चकूगा? इस करके इस बयान नाल असीं सहमति नहीं रखते। ठीक है जी बाली साहब देखो इंद्रजीत जी यहोजियां रैलियां दे विच जिहड़े अपने पार्टियां दे वर्कर ने उन्हां दी वी कितें कितें जिम्मेवारी बनदी है भी वह भी देखण भी कोई ऐसा अंसर और विच तुरंत नहीं फिरदा है जां कोई ऐसा वहीकल जिहड़ा अनआइडेंटिफाई वहीकल है उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करन और इहोजे जिहड़े वार्निंग ने यह प्रशासन जिहड़ा है बार बार और हर मौके उत्ते दिंदा है कि तुसीं इहोजे माहौल दे विच जदों इहो जिहा माहौल चल रहा है तुसीं जरूर इस चीज़ का रखो ध्यान कि कोई ऐसे अंसर जिहड़े ने तुहाडे विच ना तुरे फिरदे होण जां ऐसे वहीकल जिहड़े अनआइडेंटिफाई होण जिहड़े तुहाडे गए पार्टी दे नाल तुहाडे वर्करां नाल तालुक ना रखदे होण बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी सारे काम कर रहे ने व्यवस्था कि सरकार जिहड़ी लगी हुई है कि व्यवस्था कर रही है किस करके कर रही है तुसी एक चीज दसो अगर सारा प्रशासन लगा होया इस चीज दे विच उस तो बावजूद भी इहो जी गल हो जाए तो फिर जिम्मेवारी किहदी साडी जिहड़ी व्यवस्था हैगी है साडा जिहड़ा प्रशासन है वह इसे चीज वास्ते लगा होया कि लोगों को तकलीफ ना हो आम लोगों को जो इनोसेंट लोग ने जो शांति प्रिय अपना काम कर रहे हैं उन्होंने तकलीफ ना हो उस तो बावजूद भी इहो जी तकलीफ हो जाती है तो फिर फोर्सिस जिहड़ियां ने और जिहड़ा प्रशासन है वह किहदे वास्ते काम कर रहा है काम तो लोगों वास्ते ही कर रहा ना तो लोगों को ही तकलीफ हो रही है तो फिर असं उत्थे आके कहने कि लीडर साहबान जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो फोर्सिस मंग रहे हैं तो भी जे पुलिस फोर्सिस जे आर्मी फोर्सिस मंग रहे हैं तो पुलिस की सहायता असं मंग रहे हैं कि डबल हो जाएंगे तो लोगों की सुरक्षा ज्यादा हो जाएगी। गुरचरण जी नहीं है कि लीडर साहबान की जी सहायता कर आ रहे हैं। गुरचरण जी सरकार का टोटल फेलियर है की है इल्जाम ला रहे हैं कांग्रेस वाले। इंद्रजीत जी बेनती है जिहड़ी 500 बटालियन जिहड़ियां इस वेले बाहरले सूबियां तो आईयां है जिहड़ी इलैक्शन कमीशन दीयां हिदायतां ते आईयां होईयां ने उह सारियां इत्थे नाल वर्क कर रहीयां ने पर जिहड़ियां जिहड़े हमलावर हुंदे ने उह गुरीला वार करदे ने जदों करके भज जांदे ने उहनूं फड़न वास्ते जे उहदे ते मैं ते पहले भी गल कही तुहानूं श्रोमणी अकाली दल हमेशा अमन शांति चाहुंदा अमन शांति करके ही श्रोमणी अकाली दल अज तक हिंदू सिख एकता की उन्हें निभाई है पूरी जिम्मेवारी नाल ते नाल जिहड़ियां मैं तुहानूं बेनती कर रहा जिहड़ी 500 बटालियंस आईया हुई ने इसे काम लई आईया हुई ने इसे करके ही चैकिंग कर रही है शायद जे इन्नी सख्ती ना होंदी तो होर कार्रवाइया हो सकती मैं तुसीं इहनूं एक जे कार्रवाई हुई जो जे दोषी ना फड़े जान फिर गल की जाए ये एक वारदात कल हुई है मैं बड़ा अफसोस है भी बड़ी मंदभागी घटना मैं इन्हें तो मैं बहुत अफसोस जाहिर करता जिहड़े बच्चों जाना गई वह भी बड़ी माड़ी गल आ पर असी एक सिर्फ जे कहना सरकार का फेलूअर है सरकार का फेलूअर है तो फिर तो जे ये कहेंगे एक सर कोई भी एक इंसीडेंट हो तो सरकार रिजाइन करके चल जाया करे ये मेरे जोड़े काबिल दोस्त ने बाली साहब न भी तो इन्हों सारू सोचना चाहिए जे कार्रवाई के उत्ते एक्शन ना हो तुम कहो मेरी इन्नी बेनती है भी असी पंजाब के माहौल इन्होंने लोगों को भड़का के कोशिश खराब करने की कोशिश ना करिए
असी इस मौके पर समा के पुलिस को डीमोरलाइज ना करिए, कार्रवाई कर रही है उन्हें करन दईए। ठीक है, हाँ बाली साहब जी। मैं तो सिर्फ तुसी मैनू इन्नी गल कहो कि असी किसी नू पड़का रहे हैं, मैं तो तुहाडे कोल सिर्फ इक्को ही गल चाह रहा, मैनू कोई तुहाडे नाल ज्यादा गल करन दी कोई इहो जी लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि असी बहुत दफा डिबेटा जाके ए टीवी ने बड़ी सच्चाई दिखाई है, असी कहंदे रहे हैं। मैं तो सिर्फ इन्नी गल कर रहा कि प्रशासन कितने ना कि सरकार की कितना कितने जिम्मेवारी होंगी है, कि तुम ये कहो कि हाँ जी वाकई जी सरकार की जिम्मेवारी होगी है, गल खत्म होगी, तुहाडे नाल अगों कुछ नहीं करा गे असी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ, 500 ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ 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 ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੰਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਪੰਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਇੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, 500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ NIA ਤੋਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਈ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਬੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟਾਲੀਅਨ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੋਰਸਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਾਏ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 60% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60% ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ 33% ਲੋਕ
इस नाल सहमति नहीं प्रकट कर रहे।